हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रेश गमला, नया गमला कैसे आपको लगाना है और उसमें प्लांट कैसे लगाना है वो मैं आपको विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले आप आपका जो पुराना गमला है उसकी मट्टी निकाल लीजिए और उस मट्टी को 2-3 दिन 4 दिन धूप में सुखा लीजिए। ये मैंने सुखा ली है मट्टी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सूखी हुई बिल्कुल देखिए मट्टी है, एकदम ड्राई मट्टी। अब इस मट्टी में आपको फंगीसाइड है, ये सैफ कंपनी का फंगीसाइड, सैफ कंपनी का, ये आपको 2-3 ग्राम ही मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाना। मैं आपको दिखाता हूँ कितना मिलाना है, बस इतना फंगीसाइड आपको मिलाना है। इससे आपके गमले में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, मकोड़ा नहीं लगेगा। ये आपको सूखी मट्टी में डालना है। इसके बाद ये मेरे पे काउ मैन्यूअर है, ये कंपनी कौन सी है, ये गार्डेनिया, नीचे लिखा हुआ है गार्डेनिया। प्लस बास्केट से आपको मिलेगी ये वाली, प्लस बास्केट में आता है 5 किलो का पैकेट। ये आप मंगाइए, दूसरी लोकल नहीं लीजिए, बिल्कुल फ्रेश एकदम बढ़िया किस्म की ये काउ मैन्यूअर है। ये जितने आपकी मट्टी है उसका 25% आपको ये मिलाना है। यदि एक गमले में आपकी 3 किलो मट्टी है तो आप 1/4 इसको मिक्स कर लीजिए काउ मैन्यूअर को। ये मैं दिखाता हूँ, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। ट्रस्ट बास्केट में मांगे काउ मैन्यूअर, 300 रूपये का 5 kg का बॉक्स आता है। ये बॉक्स आप देखिए, पैकेट है। ये बिल्कुल एकदम बढ़िया किस्म की कंपोस्ट है और कम से कम 3-4 साल पुरानी है। यही आपको चाहिए रेगुलर, कोई आप उससे मत लाइए, डेयरी फार्म से मत लाइए, वो पकी हुई नहीं होती। देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर की, और इसकी खास पहचान होती है कि इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी आपको, विदाउट स्मेल है तो ये अच्छी बनी हुई है। ये मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद एक ये बायोमिक्स है, ऑर्गेनिक मैन्यूअर है, ये काफी चीजों से मिलकर के बनता है। ये भी इसके लिए प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये आपको जो नर्सरी वाले हैं उनके पास ये पैकेट मिल जाएगा आपको। ये 1 किलो का पैकेट 50 रूपये, 100 रूपये बोलते हैं मगर 50 रूपये का आपको मिल जाएगा ये ऑर्गेनिक। ये आपको जो है 10% डालना, ज्यादा नहीं डालना, एक गमले में ओनली 10%। ये भी काला होता है, इसमें कोकोपीट मिला हुआ होता है और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ये डालने के बाद इसको मट्टी को अच्छी तरह मिक्स करना है, दोनों हाथों से मिक्स कर दीजिए। ये मट्टी मिक्स हो गई आपकी बिल्कुल। ये आप गमला ले लीजिए, गमला जो आप प्लांट लगा रहे हैं कम से कम 8 इंच का हो, और यदि बड़ा कुछ प्लांट है तो 12 इंच का आपका गमला होना चाहिए। गमले के नीचे 3-4 होल जरूर चाहिए जिससे पानी का सर्कुलेशन जो निकल जाए, ये होल इसमें जरूर होने चाहिए। होल नहीं होगा तो पानी रुकेगा तो आपका प्लांट जो है नीचे से खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा प्लांट। मैं इसमें मनी प्लांट का आपको दिखा रहा हूं कि मनी प्लांट मैं लगा रहा हूं इसमें। इस गमले को आप आधा भर लीजिए, आप बनने के बाद जो प्लांट आपने को लगाना है, ये मैं प्लांट लगा रहा हूं,
निकलेगा कैसे? इसको ठोक करके आप थोड़ा जब प्लांट निकालें तो उसको थोड़ा ड्राई कर लें, पानी मत डालें, दो दिन तो ड्राई हो जाएगा। ड्राई करने के बाद आप थोड़ा सा ठोकेंगे इसको तो ये प्लांट पूरा बाहर आ जाएगा आपका। मेरा इतना डेवलप हो गया था कि इसके नीचे से भी इसकी जो जड़ें हैं वो निकलनी शुरू हो गई थी, रूट्स निकलनी शुरू हो गई। ये देखिए इसकी रूट्स देखिए कितनी बढ़िया डेवलप हुई हैं, कितनी बढ़िया तरीके से डेवलप है। बस ऐसे आपको प्लांट निकालना है रूट के समेत, और आधा जो गमला भरा है उसके सेंटर में इसको रखना है प्लांट को, आपको उसके सेंटर में आपको रखना है। सेंटर में रखने के बाद थोड़ा सा प्रेस करिए, ज्यादा प्रेस मत करिए, और उसके बाद जो जगह खाली बची है उसको मिट्टी से आप फिलअप कर दीजिए पूरा। इसमें सिर्फ मनी प्लांट ही लगेगा या कोई भी तरह के फ्लावर्स भी लगा सकते हैं हम? फ्लावर्स आप इसमें कोई भी सीजनल फ्लावर्स, कोई भी तरीके का प्लांट, रोज वगैरह भी लग सकता है इसमें? ईच टाइप का जो भी फ्लावर्स का प्लांट है, ग्रीनरी का प्लांट है, एनी टाइप ऑफ प्लांट, सीजनल प्लांट, परमानेंट प्लांट, आप इस तरीके के मिक्सचर में आप लगा सकते हैं। ये टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें मैंने कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है, और आप केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज करें। और जब मैं फर्टिलाइजर यूज करूंगा केमिकल तो मैं आपको फिर दोबारा से एक वीडियो डाल करके बताऊंगा कि क्या फर्टिलाइजर आपको डालना है, बट ये सफिशिएंट है और प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। ये मिट्टी लगाने के बाद आप इसको लाइट पानी डाल करके वो कर दीजिए, शॉवरिंग कर दीजिए लाइट, बहुत ज्यादा हैवी पानी नहीं भरना आपको, और इसको दो या तीन दिन तक फिर पानी मत डालिए, बिल्कुल पानी मत डालिए। और लगाने के बाद तीन दिन छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना प्लांट को, कोई भी प्लांट को लगाने के बाद तीन चार दिन छाया में रखिए, और जब आपको थोड़ा सा ड्राई लगे कि मिट्टी ड्राई है तभी आप पानी डालिए। हर वक्त पानी बाल्टी भर भर के प्लांट में नहीं डालना है, जब मिट्टी ड्राई हो तभी आपको प्लांट में पानी डालना है। चार दिन पांच दिन रखने के बाद तब इसको आप धूप में प्लांट को रखिए। यही प्लांट लगाने का तरीका है और आपके प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। इसके बड़े पत्ते भी हो जाएंगे? इसके मनी प्लांट के बड़े पत्ते करने के लिए एक आपको स्टिक लगानी पड़ेगी, स्टिक वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। एक स्टिक आती है 4 फीट की, वो मैं इसमें लगा के दिखाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वो आप उस पर बांध दीजिएगा और स्टिक पे पानी डालिए हर दूसरे दिन, मतलब डेली डालिए तो अच्छा है, हल्का हल्का पानी करिए तो आपका मनी प्लांट बहुत अच्छा होगा, प्लांट के पत्ते भी बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और बड़े पत्ते करने का क्या तरीका है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। थैंक यू।